Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. Welcome, स्वागत है आपका Strategy PCS में. शुरू करने से पहले आपका नाम बताइए और ये बताइए कि आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. अगर आप किसी टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए. वी विल कम विद द लेक्चर ऑन दैट. आज की क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल इन्फ्लुएंसर सेंटेंस टू 11 ईयर्स इन प्रिजन. अच्छा, उस प्रभावशाली व्यक्ति का नाम क्या है जिसे 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. मनाहिल अल उतायबी, सारा अहमद, फातिमा अब्दुल्ला या लीजा अख्तर. सो करेक्ट आंसर जो है उसका है मनाहिल अल उतायबी. इनको 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. कहाँ पर सुनाई गई है? सऊदी अरेबिया में. सऊदी अरेबिया ने इनको 11 ईयर की सजा सुनाई गई है. बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड अंडर शरिया लॉ. ठीक है, जो शरिया लॉ है उसके तहत ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं. शरिया क्या है? शरिया एक इस्लामिक कानून है. इससे पहले भी आपने देखा है कि महसा अमीनी नाम की एक लड़की को ईरान में मार दिया गया था पुलिसिंग के नाम पे, राइट? सो मुस्लिम कंट्रीज़ में ये चीज़ें आम हैं. मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which country has started sea trials of its indigenous aircraft carrier Fujian? Sea trials, okay, of indigenous air indigenous का मतलब होता है कि खुद के देश में ही बनाया हुआ चीज. उसका नाम क्या है? Fujian. और यह है क्या? Air carrier. United States, China, Russia या Ukraine? So correct answer is China. ये क्या है? Fujian. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ Fujian, व्हाट इज़ Fujian, ये भी पूछ सकता है. तो आप बोल दोगे कि दिस इज़ एयरक्राफ्ट करियर, विमान वाहक पोत. चाइना इसको बना रहा है. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ Fujian, तो आप बोलेंगे कि दिस इज़ एन एयरक्राफ्ट करियर. ये भी आ सकता है कि किस कौन सा देश बना रहा है, तो ये आ सकता है Fujian, चाइना बना रहा है. ठीक है, चाइना, चाइना की एक स्ट्रेटजी है भारत को सराउंड करने की इंडियन ओशन में, पर्ल करके उसका नाम है. अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या नाम है. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वैसे बोलते हैं. ठीक है, तो भारत को ये चाइना चारों तरफ से सराउंड करके रखना चाहता है, हमारे ऊपर प्रेशर बना के रखने के लिए. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वेयर वॉज द सुपरसोनिक स्मार्ट मिसाइल फॉर टॉर्पीडो टेस्टेड फ्रॉम. कहाँ से सुपरसोनिक स्मार्ट मिसाइल टॉर्पीडो की टेस्ट करी गई थी? स्मार्ट इस मिसाइल का नाम है. परीक्षण कहाँ से किया गया था? मिसाइल के हमारे यहाँ जो परीक्षण किए जाते हैं वो नॉर्मली यहीं से किए जाते हैं, अब्दुल कलाम आइलैंड से. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आइलैंड. मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कैंसल्ड द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ 14 प्रोडक्ट्स ऑफ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड. तो 14 प्रोडक्ट जो है पतंजलि के अभी बैन कर दिए थे उत्तराखंड सरकार ने, न्यूज़ में था. सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही टफ, सुप्रीम कोर्ट बेंच के ऑर्डर पे उन्होंने किया था, काफ़ी टफ एक्सप्लेनेशन थी और इनको माफ़ी मांगने के लिए भी बोला था. तो बाबा रामदेव ने इसके लिए अपॉलॉजी भी करी थी अपने प्रोडक्ट्स के लिए. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप. टोटल 29 मेडल जीते हैं. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज, गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज मेडल 2024. तो गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? व्हाट इज़ द नेम? आंसर इज आलोक शुक्ला. आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज से सम्मानित किया गया है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which city has become the most polluted city in the world? Most polluted city in the world. दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? The correct answer is काठमांडू in Nepal. दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है. Who was poised to become the first मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड एंड द लीडर ऑफ द स्कॉटिश नेशनल पार्टी?
तो स्कॉटलैंड के नए प्रथम मंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर उनके बनने के लिए कौन तैयार है? केट फॉक्स, जॉन स्विनी, हमजा यूसुफ या डन ऑफ द अबव? जॉन स्विनी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सोलोमन आइलैंड? सोलोमन आइलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? ये अक्सर पूछते हैं। सोलोमन आइलैंड की लोकेशन देख लेना, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हैं ये भी देख लेना एग्जाम के लिए, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जेरेमिया मेनेले। द हिंदू से ये क्वेश्चन उठाया था मैंने, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आज की न्यूज़ में ही है द हिंदू के। हु विल लीड द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टिव मीटिंग? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल पढ़ लीजिएगा। तो इसका 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का नेतृत्व कौन करेगा? इंडिया इस बैठक का नेतृत्व करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। गूगल प्ले पे हमारी एप्लीकेशन है स्ट्रेटजी PCS के नाम से, आप वहाँ पर स्ट्रेटजी PCS सर्च करिए और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए फॉर फ्री। फ्री प्रिपरेशन हम कराते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी स्ट्रेटजी PCS के नाम से हमें। और एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।